ले जी गाइस, हमने गाड़ी को पॉप्स एंड बैंग करवा लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सीन ये है कि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब किया है? नहीं। कर लो ना यार, कर लो ना भाई। कब करोगे? 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। कर लिया करो यार सब्सक्राइब, अच्छी बात होती है। दूसरी बात ये भाई साहब पीछे देख रहे हो, छुपके बैठे हैं। ये मैं गाड़ी निकाल रहा था, इसने पीछे से जोर रोला डाला कि मैंने भी जाना है। कहते जू जू, मतलब पश्तो में कहते जू, मतलब जाना है। जू 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 शुरू हो गया। मैंने कहा चलो इसको भी साथ राउंड देते हैं, जब तक शेख साहब को पकड़ते हैं तब तक ये हमारे साथ बैठा रहेगा, फिर वापसी पे इसको घर छोड़ देंगे और हम लोग आगे निकल जाएंगे। सो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जी गाड़ी में ट्रंक सेटअप। ट्रंक सेटअप का मतलब क्या होता है? एक हैवी सा ट्रंक सेटअप करना, क्योंकि बैक साइड से हमारी गाड़ी में कुछ नहीं है। फ्रंट हमारे बम्पर ने लुक बनाई हुई है, बैक साइड से कुछ नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना ट्रंक में ऐसा किया जाए कि जब ट्रंक खुला हो ना, भाई वारे न्यारे कर देने ने मैं दसा भाई, ऐसा बना देना। सिंपल क्लीन, जिस तरह पहले हमारी गाड़ी है ना, सिंपल एंड क्लीन। कोई ओवर काम नहीं करूंगा, सिंपल एंड क्लीन बनाऊंगा, लेकिन ऐसा बनाएंगे ना कि तुम्हारी सोच हो। ठीक हो गया, बाकी जल्दी शेख साहब को पिक करते हैं और फिर उसके बाद आके देखते हैं क्या सीन करना है। और तो जी हमने शेख साहब को पिक कर ली। ठीक है, और बस भी जा रहे उस तरफ जाते हैं यार। किस तरफ? उस तरफ क्या करना? एक वैन जा रही है। अस्तग़फ़ुरुल्लाह। खैर जा रहे हैं वर्कशॉप पे, वहाँ पे जाके बताते हैं क्या क्या सीन करने वाले हम लोग, और फिर कुछ स्केच बना के देखते हैं कि क्या हमने प्रिंट करना। तो गाइज हमने एक चीज तो ले ली है, मतलब ये दो ली है हमने, ठीक है, जिससे हमने ट्रंक को करना है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप ही कहते हैं। हाँ। फ्लिप फ्लॉप करना है, और उसकी वजह क्या है वो आपको ट्रंक पूरा होने के बाद पता लगेगा। ले जी हम लोग वर्कशॉप आ चुके हैं और यहाँ पे अब डिक्की खुल चुकी है, वो उसको समझा रहा है क्या करना है। ठीक है, देखते हैं जी क्या सीन बनता है। ये साथ ही हमने एक और फैसला भी कर लिया छोटा सा, गाड़ी की ट्यूनिंग कराने का। अच्छा एक चीज वैसे है, गाड़ी की मेंटेनेंस पे पैसे लगाने को दिल नहीं करता, मॉडिफिकेशन में पैसे लगाने का बहुत दिल करता है। ठीक है, सो काफ़ी टाइम हो गया ट्यूनिंग शूनिंग नहीं हुई गाड़ी की, थोड़ा सा एवरेज वगैरह बड़ी एवरेज तो थोड़ी सी नहीं, बहुत गंदी आ रही है। तो मैंने कहा क्यों ना भाई गए हैं तो इसके साथ ट्यूनिंग भी करवा लें, जो टाइम ट्रंक पे लगाना है उतने टाइम में ट्यूनिंग हो जानी है। क्यों भाई? तो ये सीन है, ये देखें जी बिफोर एंड आफ्टर। इतने चौड़े से तीन सुराख थे, अब एक रह गए, इनको बेसिकली कट कर दिया इस भाई ने। शॉर्ट तो वो लिया नहीं होगा चिंगारियों वाला, है ना, क्योंकि मैं काम करवा रहा था। हाँ, तो इनको कट कर दिया इसे। ये देखो ये कितना सा पीस रह गया। अब इसके आगे यहाँ पे लगनी एक पतली, ठीक है, फिर उसके आगे दूसरा काम होगा। ये जी बड़ी ज़रूरी बातें होती हुई ये वॉय कर रहा है हमारा सारा काम, सेंटर है। तो उसको समझाते हुए, ये उस्ताद तारिक हैं, बड़े अच्छे मैकेनिक हैं, इससे मैंने इनसे आज गाड़ी खुलवा ली अपनी। मैं पथरी की वेल्डिंग की बात कर रहा था ना, वो ये वेल्ड होना है, ठीक है, और ये किस तरह से लगना है तो बताना। बोलो भी साथ लगना भाई। हमारी ये वाले जो नट हैं उनके साथ क्या होगा? वो फारिग हो जाएंगे। फारिग हो जाएंगे वो, फारिग हो ये लगेगा, सिर्फ ये लगेगा। अच्छा वैसे ये सुराख देखा जाए, इसमें हम लोग लगा सकते हैं सुराख करने इसमें? हाँ, ये वाला अगर सुराख बड़ा हो जाए तो फिर इसके पीछे जो है ना नट रख के ना, तो ये वाला सुराख हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं, अभी तो खैर प्रोसेस में है डिग्गी, देखते हैं कि क्या होता है। चलो सही हो गया। बाकी अगर किसी ने हमारी गाड़ी का अभी तक सेटअप नहीं देखा तो वो ये फिलहाल बाद में दिखाएंगे, आखिरी बार देख लो। हमने सोचा था कि हम टैंक बड़ा करेंगे, ठीक है, लेकिन वो टैंक जो है ना मेरी डिक्की के हिसाब से ये टैंक ठीक है। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग ना टैंक बड़ा नहीं करते, टैंक इतना ही होता है, कंप्रेसर ड्यूल कर लेते हैं, थोड़ी उसकी लुक अच्छी कर लेते हैं। तो मैंने भी फैसला किया, मैं कहा यार यही टैंक ठीक है, प्यारा भी लगता है। क्यों भाई? ठीक है, प्यारा भी लगता है, इसको ऐसे ही रखते हैं, बाकी जो सेटअप है उसको ज़रा खूबसूरत कर लेते हैं। आखिरी बारी देख लो, आखिरी टाइम। ले जी गाड़ी का काम शाम चल रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के आराम कर रहा हूँ। गाड़ी में इधर प्लग नए डालने पड़े हमें, ठीक है, प्लग बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे कि है ही नहीं, ठीक है, उसकी जो पिन थी वो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली थी और गाड़ी पेट्रोल की एवरेज से ख़राब कर रही थी। तो हमने नए प्लग्स मंगवा के वो डाले हैं, ठीक है, देखते अब क्या एवरेज हमें देती है, क्या पोजिशन बनती है गाड़ी की। जी कब्जे तैयार हो गए, शेख साहब भी काम देख रहे हैं, पेंट बचाने के लिए ऊपर शॉपर लगा के
खैर ये कब से तैयार हो गए, बस इसमें एक सुराख चाहिए ठीक है जो कि इसको फ्लिप करेगा, बाकी तकरीबन हमारा काम हो गया। नहीं जी हमने जो काम करना था वो तो हो गया ठीक है, फ्लिप फ्लॉप करनी थी हमारी वो चीज़ हो गई है, अब जब ट्रंक सेटअप करेंगे कंप्लीट उसके साथ इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह। नहीं जी गाइस हमने गाड़ी को पॉप्स एंड बैंग करवा लिया, जरा दे देना सी। ले जी हम लोगों ने अपने ट्रंक श्रंक का काम करवा लिया, गाड़ी की ट्यूनिंग भी हो गई है माशाल्लाह, चल तो अभी तक स्मूथ रही है ठीक है, कोई इशू नहीं कर रही गाड़ी। बाकी अभी जाके थोड़ा सा ना आपको दिखाते हैं कि कैसा फ्लिप फ्लॉप हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे हमने क्या क्या किया है, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हुई है लेकिन हम अपनी तरफ से एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे जी किस तरह फ्लिप फ्लॉप होता है सारा कुछ ठीक है। तो ज़रा पहुँच के बता यार, ये हम लोग आए थे डिक्की के लिए ना एक शीट पसंद करने, जो ट्रंक में हमने रखनी है वो हमने पसंद भी कर लिया, बहुत हैवी लुक आने वाली है उसकी, बाकी वैसे अभी आगे वाले काम चलते हैं। ले जी प्रेजेंटिंग यू फ्लिप फ्लॉप। ये गाइस हमारा एक और जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है लेकिन जितनी है उतने में पीछे से आके उतने में दिखा रहा हूँ आपको ठीक है। ले जी हमारा जो ट्रंक है वो फुल फ्लिप फ्लॉप हो गया ठीक है, बहुत नाइस लग रहा है, तुम्हें ट्रंक सेटअप भी खूबसूरत लग रहा होगा क्योंकि बिल्कुल ही डिक्की ऐसे फुल अप चली जाती है और पीछे डिक्की आपको बिल्कुल यहाँ पे ट्रंक जो है बाकी सारा आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है, हमें तो बड़ा पसंद आया। बाकी जब शो शू होगा जब दिन टाइम में सीन होगा वो तब आपको और अच्छा नज़र आएगा, अभी इसके अंदर बड़े सारे काम होने हैं, अभी ट्रंक का क्या नाम है सेटअप सारा सेटअप कंप्लीट होना है, फिर उसके बाद ये जो लाइट्स हैं येलो वाली ये चेंज होकर वाइट हो जाएंगी, बड़ा कुछ अभी करने वाला इस ट्रंक पे हमें तकरीबन 10 से 12 दिन लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, इसलिए हमने अभी से शुरू कर दिया ताकि हमारा जो टाइम है वो जितना जल्दी हम कर सकें उतनी जल्दी कर लें। बाकी अगर आप लोग को ये काम पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, सब लोग अपना ख्याल रखें खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।